नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टेप न्यूज। दोस्तों, राम रहीम और हनीप्रीत की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हरियाणा पुलिस राम रहीम और हनीप्रीत के खिलाफ सबूत पर सबूत इकट्ठे कर रही है। अब राम रहीम के 5 कमांडो और एक जिप्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। राम रहीम के 5 कमांडो और एक जिप्सी ड्राइवर रंजीत, कमांडो धर्मेंद्र, अनूप, सुखविंदर, मनिंदर और कृष्ण पाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है हरियाणा पुलिस ने। आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 188 और 120 बी व आर्म्स एक्ट के तहत 25, 27, 54, 59 के तहत चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। 120 पेजों की चार्जशीट में पुलिस ने 13 गवाह भी बनाए हैं, जिनमें ज़्यादातर गवाह पुलिस अधिकारी हैं। केस की अगली तारीख 23 नवंबर 2017 को होगी, जिसमें सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी सौंप दी जाएगी। आखिर इन 6 पर ही गाज क्यों गिरी है, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि पंचकुला हिंसा जब हुई थी तो बाबा के लाखों हजारों चेले, हजारों गुंडे पंचकुला हिंसा में शामिल थे, मगर ये 6 ही मैन आरोपी क्यों बनाए गए हैं, ये हम आपको बताते हैं। आपको याद होगा जब पंचकुला हिंसा हुई थी 25 अगस्त को और जब राम रहीम अपने काफिलों के साथ कोर्ट पहुंचा था, तो तब 5 कमांडो और एक जिप्सी ड्राइवर को मनी माजरा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान इनके पास से एक पिस्टल, 25 कारतूस व लोहे की राड और पेट्रोल की कैन बरामद की गई थी। मनी माजरा थाने की पुलिस ने इनके विरुद्ध केस दर्ज कर दिया था, जिनका मकसद पंचकुला हिंसा में आग में घी डालना था, पंचकुला की हिंसा को और भड़काना था। पुलिस की चार्जशीट चीख चीख कर बोल रही है कि इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। ये सबूत बाबा के इन गुंडों के माथे पर चिंता की लकीर पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। आगे की कार्यवाही में पुलिस राम रहीम में हनीप्रीत के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल कर सकती है, यदि इन 6 आरोपियों में से किसी एक ने भी हनीप्रीत या राम रहीम का पर्दाफाश कर दिया, उनके कुछ और रहस्य खोल दिए, तो हनीप्रीत और राम रहीम की और मुसीबतें बढ़ जाएगी। अब बार बार हनीप्रीत और राम रहीम की पहली मुसीबतों से ही पीछा नहीं छूट रहा है, जो नए नए सबूत राम रहीम और हनीप्रीत के खिलाफ मिल रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि 23 तारीख को जब इन आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी सौंपी जाएगी, तो तब तक हनीप्रीत और राम रहीम के खिलाफ और भी सबूत मिल जाएंगे और उनके खिलाफ भी एक और चार्जशीट बनाकर पेश की जाएगी। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाल रंग के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।